शुमाली 24 परगना के बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट पे मैं मौजूद हूँ। ये वह शहर है जो 1757 में मंगल पांडे ने भारत की जंग आज़ादी में की शुरुआत की थी उस वक्त और आज भी काफ़ी तरक्की हुई है। बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट जहाँ जूट मिले, फैक्ट्रियाँ, राइफल फैक्ट्री, मेटल फैक्ट्री, एक्साइड फैक्ट्रियाँ हैं। यह ये घनी आबादी वाले एक तजारती मरकज़ है जहाँ तमाम मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से पॉलिटिकल एक्टिविटी में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से आए दिन लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आने वाले दिन में क्या होगा। आइए इस सिलसिले में लोगों से बात करते हैं कि देखिए ये है इंडस्ट्रियल बेल्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी हिंदी भाषियों की है, मतलब राइफल फैक्ट्री से लेके जूट मिल तक सभी हैं, लोग एक साथ मिल के रहते हैं। भाजपा और तृणमूल को लेकर जो फिलहाल जो सरगर्मी बची हुई है वो कहना मुश्किल है इस माहौल में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट यहाँ के लोग आवाम यही चाहते हैं कि बस यहाँ पे तरक्की हो, इलाके का और विकास हो, शांति कायम हो। सबसे पहला डिमांड यही है, कौन इस तरह से कर सकता है, कौन पार्टियाँ देगी वो कहना मुश्किल है। मतलब जेंट्स लोग यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, रोजगार आप लोग कर दीजिए, रोजगार पे बहुत परेशानी है, रोज स्टेशन जाते हैं, रोज रेल पे पार होके जाते हैं काम के लिए, फिर वापस आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा चीज कीजिए कि जेंट्स लोग को आराम हो। दरअसल बैरकपुर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है इसमें काफ़ी जूट इंडस्ट्री आता है, इसमें काफ़ी मजदूर उसमें काम करते हैं और अपना ज़िंदगी उस मिल कारखाने के ज़रिए बसर करते हैं। अब लिहाजा आज एक ऐसा माहौल कुछ दिनों से बन रहा है जो ये राजनीति जो उथल पुथल हो रहा है इसके वजह से तमाम पार्टी यहाँ आके अपना अपना दावा जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन इस इलाके के लोग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो जो भी हो, ये इतना अच्छा इलाका है जहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान मिलकर एक साथ चलते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी हिंदू मुसलमान बैरकपुर के इलाके में कभी नहीं लड़े, लेकिन आज कुछ दिनों से कहीं कहीं बैरकपुर के इलाके में छिटपुट एक अप्रिय घटना का जब ख्याल आता है, जब देखा जाता है, सुना जाता है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, ये तो सवाल आ ही जाता है।